अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसे हो आप सब? सो आज एक हफ्ते बाद शायद से मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज क्या पता क्यों मेरे इधर कुरियर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्या पता क्यों। सो इस वीडियो में बेसिकली होगा क्या कि मैंने ना पिछले वीडियो में आपने देखा रहेगा कि मैंने ना 4 बैग्स ऑर्डर की थी 400 के अंदर। वो बैग का सेट था एक, तो मैंने सोची लेट्स डू दैट अगेन। तो मैंने इस वीडियो के लिए मीशो से 3 सेट्स मंगाए हैं बैग के, जिसको आज हम लोग रिव्यू करेंगे। एंड ये भी 500 के अंडर ही आए हैं, आई थिंक सो 400 के अंडर आए हैं, मुझे प्राइस नहीं पता, बट ये 400 के बीच में ही है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट करेंगे ये वाली बैग। लेट्स ओपन इट। ओके, नो दिस बैग इट इज। सो लेट्स रिव्यू दिस बैग। इसकी ओपन डॉट और इसकी nice quality is also great। सबसे पहले मैं जब आप हर वीडियो में देखते हैं, मैं धागे चेक करती हूँ, बिकॉज ये आई थिंक सो 391 के 3 बैग है शायद से, तो इसलिए मैं क्वालिटी चेक करती हूँ, क्वालिटी मैटर्स। ऐसा कुछ भी तो रिव्यू नहीं ना कर सकते हम इसके लिए। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग में ऐसा है, यू हैव टू रिमूव दिस बेल्ट। सो इसका बटन है, आई वॉज रॉन्ग, इसका बटन निकालने का है हमको। एंड दिस इज चेन, एंड दिस आर बैग्स फ्रॉम इनसाइड। एंड अंदर से इसके साथ कुछ कंपार्टमेंट्स नहीं है, पूरी ओपन बैग है। एंड इट्स वेट, सो बैग इज लाइक दिस, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो इसमें ना ऐसा है कि ये दिया हुआ है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है ना, इट्स नाइस। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज नाइस। एंड आप सकते हो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ ना। मुझे ये वाला कंसेप्ट एंड दिस थिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको पता है हर वीडियो के जैसे मैं लास्ट में ही रिव्यू करूँगी, मतलब लास्ट में ही इसको रेट करूँगी, सो वेट अंटिल एंड। तो इसके अंदर थी 2 पर्स, एक तो ये है जो हम लोग इसे पहन सकते हैं, एंड इसको हम रिव्यू करते हैं। तो मुझे ना इसकी स्टिचिंग की प्रॉब्लम दिख गई, वो हर टाइम रहता ही है। तो इसमें ना यहाँ पे थोड़ी सी स्टिचिंग की प्रॉब्लम है, बाकी तो बैग की क्वालिटी मुझे ऐसे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका लेदर वगैरह। तो लेट्स ओपन दिस बैग। तो इट इज़ दिस मच फ्रॉम इनसाइड। ये भी क्यूट सा पर्स है, बहुत अच्छा है, बट इसकी ना थोड़ी सी क्वालिटी का मसला है, बिकॉज इसका ना धागा स्टिचिंग प्रॉपर नहीं की गई है। तो नेक्स्ट है जो हम लोग ऐसा कैरी कर सकते हैं, एंड आई थिंक इसके अंदर चेन है। व्हाट इज दिस, अल्लाह, सी चेन टूटी है इसकी, लेट्स ट्राई टू जॉइन इट। नहीं हो पा रहा है वो ज्वाइन, अच्छा हो गया। तो इसका अंदर से ऐसा है, एंड इट्स गोइंग टू क्लोज लाइक दिस। मेरे पर्स को आप ऐसा कैरी कर सकते हैं, बट ना ये चेन निकली है, मतलब थोड़े टाइम के लिए लग के रहेंगी, फिर ये निकल जाएंगी, तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं इसका भी। एंड इसकी स्टिचिंग की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, इट्स नाइस सी, ये भी अच्छा है। ये पर्स के कलर भी बहुत अच्छे हैं, सी देखो निकल गया। वाह, एवरी टाइम विथ मी, मुझे ना मतलब मेरा हमेशा ऐसा होता है कि मुझे ना पर्स बाकी के अच्छे लगते, बट उसमें से एक ना एक तो ख़राब निकलता ही है, एक ना एक में कुछ स्टिचिंग की प्रॉब्लम हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल जाए। ओवरऑल सी द पर्स। हम अपन लोग नेक्स्ट पर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कौन सा है, लेट्स सी। तो आई थिंक इसमें एक बैग है जो मैंने बैग मंगाई थी,
तो मुझे लगी कि इट विल बी नॉट राइट. ओके लेट्स ओपन इट. प्लीज इसका क्वालिटी का मसला नहीं होना चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी वेरी नाइस बैड फॉर मी. तो ये एक ऐसा पर्स है जो मुझे फ़ोटो में बहुत अच्छा लगा था बट रियलिटी में नहीं अच्छा लग रहा है. तो लेट्स ओपन दिस. तो हम पहले इसकी स्टिचिंग चेक करते हैं. ओके स्टिचिंग का मसला तो है इधर बट हम अभी ओपन करके देखते हैं अंदर से कैसी है. ओके तो इसमें ना चेन की प्रॉब्लम है. सी इट्स नॉट ओपनिंग. ओ नो 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 आई विल नॉट सजेस्ट दिस बैग. इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. अंदर से धागे देखो कैसे हैं. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. अभी नेक्स्ट पर्स की तरफ. जैसा दिखता है वैसा क्यों नहीं आता है यार. इतने पैसे लगे होते हैं. ओके सो ये रहता है ना वो हम लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ ATM वगैरह रखने के लिए वो चीज़ है ये शायद से. बट इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा गंदी है. कैसा है मालूम? जब ये धागा निकल गया योर पर्स इज गॉन. कुछ फ़ायदा नहीं है पर्स का. धागा गया नथिंग. यू कॉन्ट डू एनीथिंग. दैट्स वॉट आई हेट. ये पर्स अरे अरे तो इसमें ना एक क्यूट सा टेडी बियर आया था. हाउ क्यूट इट इज़ है ना. तो ये भी निकल के आया है. ये भी निकल गया है. किधर से निकला ये? ओके तो ये ऐसी एक बैग थी जो आई थिंक मुझे अच्छी लगी थी बट अब का मुझे नहीं पता. I'm just going to open it. इसकी क्वालिटी का नो 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 नो. देखो ये 281 की है मतलब 300 के अंडर की है. बस क्वालिटी वाइज थोड़ी कम है बट अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो. बिकॉज 281 में आपको 3 पर्स मिल गए. इट्स यू कम्प्लीटली योर चॉइस. हम बैग ओपन करते हैं. इट्स नॉट ओपनिंग. इट्स नॉट ओपनिंग. ओके इट्स फाइनली ओपन. तो ये कॉलेज बैग या हम लोग ट्यूशंस में जाते हैं या क्लासेस में जाते हैं ना तब पहन के जा सकते हैं. एंड हम लोग की जो बड़ी बड़ी किताबें होती है ना वो नहीं रहेंगी इसमें. बस ये फैशन के लिए अच्छा है जिसमें से भी टेडी बियर निकल रहा है. आज क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा. बट हम लोग इसको लास्ट में रेट करेंगे. तो हम जाते हैं अभी थर्ड पर्स की तरफ जो सबसे बड़ा पैकेट है. ये सबसे बड़े वाले ना ओपन होने बहुत टाइम लेते हैं. इसकी मेरे हिसाब से पैकिंग अच्छी करी है उन लोगों ने बाकी पर्स के मुकाबले. बिकॉज ना इसमें ये वो जो ये रहता है ना क्या उसको बोलते हैं बबल रैप वो है इसमें. जो गेम के ओपन है तो बबल रैप के साथ नहीं आ रहा है. वो हमको बबल रैप निकालना पड़ेगा पहले देन हमको पर्स. ओके तो दिस इज द स्मॉल पर्स. ओके तो आई विल शो यू समथिंग. दिस टू आर काइंड ऑफ सेम है ना. काइंड ऑफ सेम बल ना ऐसे डिज़ाइन है जो मुझे अच्छा लग रहा है. सी हाउ ब्यूटीफुल दिस डिज़ाइन इज. तो अब हम लोग इसकी अंदर की चेन चेक करते हैं. ओके तो इसकी चेन इज गुड.
इसका धागा भी अच्छा है, या इसके धागे की भी प्रॉब्लम नहीं है. सी इट्स नाइस. क्लोज इट. हम अब इसके सेकंड पोर्शन जाते हैं. ओके सो दिस इज, ओ इसकी क्वालिटी इज सो नाइस. या इट्स वेरी नाइस. इसके धागे भी ठीक ठाक ही है, बस थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्राइस कम है इसकी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही, बट इतनी जल्दी से निकलने वाले भी धागे नहीं हैं. आई एम जस्ट गोना ओपन इट. इसके अंदर ये बेल्ट मिला है जो हमको इसको लगाना है. इसके अंदर इट्स लाइक दिस. इसको मैं क्लोज इट. इट्स नॉट प्रिसेंटली. क्वालिटी अच्छी बट बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा. बट ये आपके ऊपर है अगर आपको लगाना है. बट इसकी जो मेन पॉइंट्स है जो मेरे को पसंद आई थी, हम उसको देखते. अगर वो नहीं रही वैसी तो मेरा दिल टूट जाएगा. ओके इट्स नाइस. तो ये है जो पर्स, मुझे अच्छी लगी थी फोटोज़ में. तो इसमें ना पिंक कलर भी था, तो पर मैंने पिंक मंगाई हूँ ऑलरेडी, तो वापस पिंक क्यों मंगाने का. तो आई थॉट लेट्स ऑर्डर ग्रे. इसको ओपन करते, ये भी सेम चीज़ है, वैसे ही ओपन करना है. एंड वैसे ही चेन है, सेम पर्स है, बस डिज़ाइन का कुछ डिफरेंस है. ओ शिट. Oh my god, what's this? आज ना बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई हूँ. मैंने तीन पर्स मंगाए और तीनों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही था. मेरे हिसाब का कुछ आया ही नहीं है. सी ना, अगर आप इधर से देखोगे ना तो मेरा हाथ भी दिख जाएगा आपको. सी पूरा ट्रांसपेरेंट है ये, एंड अंदर से आपको कैसे दिखाऊँ. सी दिख रहा है क्या आपको, कुछ ऐसा है. एंड ना उन लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोग को इधर चेन तो दिख रही है, तो हम ये चेन खोलेंगे ना तो आपको ऐसा ये मिलेगा. बट बाकी जो पर्स होते हैं ना, ये देखो इसके अंदर ना सिर्फ उन लोगों ने ऐसा लाइक कपड़ा स्टिच करके दे दिया है, बोला कि इधर चेन है, इधर एक कंपार्टमेंट है, आप इधर कुछ भी रख सकते हो. बट अगर ये धागा निकल गया, कुछ फ़ायदे का नहीं होगा ये पर्स. फिर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. बहुत मुझे बुरा लग रहा है आज, बिकॉज मैंने इतने उम्मीदों से ये पर्स मंगाए थे. बाय द वे लुकिंग अच्छा लग रहा है, बट अगर आप कुछ अंदर रखेंगे एंड बाहर दिख रहा है तो क्या फ़ायदा उसका. मुझे तो नहीं समझ आता ये सब कुछ. आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार. मैंने ना, आपको पता है मेरे दो बैग्स आए थे, दो सेट आए थे एंड तीसरा नहीं आया था, एंड वो दो दिन बाद आया, इसलिए वीडियो लेट बन रही थी. तो वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करने वाली थी. आई थॉट कि वेट कर लेते, अच्छा आएगा, बट इसमें से कुछ अच्छा आ रहा ही नहीं मुझे. तो हम लोग अभी रेट करते हैं. तो फर्स्ट पर्स मैंने जो देखा था वो थे ये तीन थे वो. तो आई विल रेट 3 out of 10 इन तीनों को. ओके सो हम अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट. जो हमने देखा था वो था ये बैग. एंड जब मैंने ये बैग को देखा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कि लाइक रियली शॉक. एंड आई वाज लाइक, बहुत खुशी हुई मुझे कि मुझे जो चाहिए था वो 381 में मिल रहा है. बट आफ्टर सीइंग दिस आई एम काइंडली लाइक डिसअपॉइंटेड. ओके बट ये ना, आई विल रेट दिस पर्स 5 out of 10, आई थिंक सो. यस 5 out of 10. आई विल रेट दिस पर्स 5 out of 10. पर्स जिस जो देखे थे ना हम लोग ने, उसकी तरफ बढ़ते हैं. एंड दिस इज द पर्स. ये था उसमें, ये था एंड ये था. तो मैं इसको रेट करूँगी 8 out of 10. मुझे पर्स की क्वालिटी भी इतनी ऐसा कुछ गंदा तो नहीं लगा, बहुत अच्छा है इसकी क्वालिटी वगैरह भी. बस मैंने दो पॉइंट मैंने, ये जो ट्रांसपेरेंट थिंग है ये थोड़ा क्वालिटी इसकी ना, मतलब मेरे को ओवरऑल पर्स अच्छा लगा, बट ये जो उन लोगों ने किए हैं ना,
आपको स्टिचिंग दिख रही है, उन लोगों ने अंदर से स्टिच किया है एक छोटा सा कपड़ा एंड बोला है कि ये आपको कंपार्टमेंट है एंड इधर से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो उसके वजह से मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैंने बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट बोली है बिकॉज मैं सच में डिसअपॉइंट हो गई हूँ बिकॉज इतने बहुत लाइक क्या कह सकते, इतनी खुशी से मैंने पर्स जब देखी तो ऑर्डर की थी बट आया कुछ और। सो इट्स ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो आपको इन सब पर्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो चेक इट आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।